ये है हमारे प्यारा सा सीताफल का झाड़, जिधर थोड़े थोड़े सीताफल उग चुके हैं और उसके ऊपर है पेरुओं का झाड़। और आपको एक हर एक चीज़ मिलेगी इधर पे। ओ वाओ, एक और एक नज़ारा दिखाती हूँ। इधर एक घर है जो कि हॉरर हाउस कहते हैं इसको, बिकॉज ने कितना प्यारा एक हार्ट का ये बनाया है। ये उनका घर है मैकाला का। और ये इनने बताओ कैसे किया है, ये देखो अपने अपने थंब का ये प्रेस करके इन्हें हार्ट बनाया है। तो मैंने इसमें एक चम्मच शक्कर डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉफ़ी। अब मैं इसे अच्छे से एकदम हिला लूँगी। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। चलो चलिए देखते क्या होता है। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सो गाइस, अभी मैं आपको बताती हूँ डिटेल में सब कुछ। तो यहाँ पर ये जो आंटी दिख रहे हैं ना, ये इधर पे सुबह सुबह 8 बजे चूल्हा लगा के पानी गर्म करते हैं। और ये है हमारा नल जिधर सब लोग पानी भरते हैं। हेलो आंटी। और फिर वहाँ पर एक कंपनी भी है और फिर सब लोग इधर एंजॉय भी करते हैं और ज़्यादातर के तो झगड़े ही होते हैं। और फिर हम आते हैं। आंटी पानी भर रहे हो? तो देखो ये पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। और शाम के टाइम पे इधर सब कुछ होता है। तो यहाँ पर है हमारा 3 नंबर जिधर पे सब अपनी बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं और सबको बहुत मज़ा आता है। और आप लोग देख सकते हैं इधर सनसेट होने वाला है बहुत जल्दी। और ये है हमारे बेंच, इधर सब बैठ के बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये आपको दिख रहा है जो बोर्ड है, ये बोर्ड पे ना जितनी भी हमारे मतलब जो चौल है ना, चौल पूरी चौल का नाम इस पे एक एक करके लिखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इंडिपेंडेंस डे पे इधर कुछ लिखते हैं और हमारी चाली हमारा है पूरा जिधर हम एंजॉय करते हैं। और ये आपको दिख रहा है जो कांच लगी है, ये सारी कांच सब पूरा जगह पे लगी है बिकॉज बहुत से लोग है ना इधर रोटी रखते हैं, क्या मतलब चूहे बिल्ली आके खाए बट कोई नहीं खाता है। तो फिर इधर ना सारे कीड़े मकोड़े लगते थे और कोई कोई लोग इधर कपड़े सुखाते थे, कोई कोई लोग डस्टबिन रखते थे। तो इसके लिए रखा है क्योंकि नेम अगर इस पर हम लगाते हैं ना तो फिर पूरे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और कोई साफ भी नहीं करता है। तो इसके लिए हमारे चौल के जो सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी उनने ये पूरा लगाया है, पूरा पूरा आपको लाइन से दिखेगा। और ये है हमारी प्यारी सी बिल्डिंग आई है। और आपको इधर का एक चीज़, एक स्पेशल चीज़ बताना है, इधर ये है एक कंपनी जिधर सारे ज्वेलरीज का काम होता है। और सो गाइस, इधर सारे जो ख़राब मोती होती है ना सब इधर फेंकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग सारी मोती है, दिखाती हूँ पूरे, देखो मोती 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 है, देखो छोटी छोटी मोती है। बट इधर कोई हाथ नहीं लगाता जल्दी बिकॉज गंदा होता है ना इसके लिए। देखो कितनी प्यारी मोती है, ये छोटी छोटी होती है, देखो इधर सब कुछ रहता है, आपको एक हर एक चीज़ मिलेगी इधर पे। ओ वाओ, कितनी प्यारी है ये, देखो गाइस कितनी प्यारी प्यारी इधर डायमंड्स भी मिलते हैं, बड़े बड़े डायमंड्स भी मिलते हैं। तो इधर सब पूरा मिलता है और ये पूरे एरिया में मिलता है, भले इधर थोड़ी गंदगी होती है बट सैटरडे संडे इधर पे साफ सफाई होती है। और इधर पे इधर लिखा भी है, मतलब आप देख सकते हैं इधर लिखा भी है, ओनर्स पार्किंग ओनली आउटसाइडर्स नॉट अलाउड टू पार्क व्हीकल्स, व्हीकल्स पार्क करने मना किया है फिर भी इधर पार्क करते हैं,
बट फिर भी इधर की जो बिल्डिंग की जो सेक्रेटरी है ना, उनने मतलब बोल दिया है, लिखा भी उधर, कोई पढ़ता नहीं है जल्दी, मतलब पढ़ते हैं बहुत जन बट फिर भी इधर पैक करते हैं, तो ये बात गलत है। बट सेक्रेटरी कुछ नहीं बोलते, बट फिर भी लेटेड भी तो, और इधर से पानी टपकता रहता है बिकॉज ये भी एक बिल्डिंग है, तो इधर पे ना मुझे दिख रही है आपको एसी, उसका पानी नीचे टपकता रहता है। और देखो ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है बट बारिश नहीं होती है। और इधर आपको मैं हर एक चीज़ बताती हूँ, देखो तो यहाँ पर हमारा पेरू का झाड़ है नानी, तो देखो नानी झाड़ू मार रहे हैं, नानी झाड़ू मार रहे हैं, और यहीं पे आप देख सकते हैं पेरू लगे हैं, और वहाँ पर भी पेरू उगते हैं ये वाले झाड़ पे, दोनों अलग अलग हैं। और इधर पे ये मयूर भाई, तो इधर से ना हमारा ये, तो ये है हमारे प्यारा सा सीताफल का झाड़ जिधर थोड़े थोड़े सीताफल उग चुके हैं, और उसके ऊपर है पेरू का झाड़ और उसके नीचे है सीताफल का झाड़। और आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाती हूँ, यहीं पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है ना माशाल्लाह, देखो। और वो जो झाड़ दिख रहा है वो वाला वो मेरे घर के झाड़ है, उधर आम का झाड़ है, वो आम उगता है उधर। और ये है ऊपर पेड़ का झाड़, देखो सामने सामने मुझे एक पेड़ दिख गया जो कि कच्चा है। और इधर उस दिन भाभी के हाथ से ना बाय मिस्टेकली ये हैंगर अटक गया था, तो ये हैंगर अटक गया इधर और ये निकल रहा भी नहीं। ओ देखो ये पेरू, छोटा सी पेरू उग रहा है इधर। और ये जितना भी दोनों झाड़ है ना, दोनों झाड़, एक सीताफल का झाड़ और एक पेरू का झाड़, वो भी ये पीयू दीदी का है, पीयू दीदी का। और देख सकते हैं आप हमारा नज़ारा कितना माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पे आप अगर इधर खड़े रहोगे ना, आपको पूरा नज़ारा देख सकता है यहाँ पर। और मैं आपको बता देती हूँ, ये भाभी की ऊपर की सीढ़ी जिधर एक रूम भी है। सो गाइस चलिए अभी हम नीचे जाते हैं और नीचे से आपको बताती हूँ कैसा नज़ारा दिखता है। तो देख सकते हैं आप मक्को खाला ने, मतलब महक खाला ने कितना प्यारा एक हार्ट का ये बनाया है, ये उनका घर है महक खाला का। और ये इनने बताओ कैसे किया है, ये देखो अपने थम का ये प्रेस करके इनने हार्ट बनाया है। ओ वाह देखो सब वही है, हाँ देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और आपको एक नज़ारा दिखाती हूँ, इधर एक घर है जो कि हॉरर हाउस कहते हैं इसको, बिकॉज इधर एक आंटी रहते हैं जो कि साल में बस 2-3 दिन रहने आते हैं, इनने रेंट पे दिया है घर। और ये मक्को खाला का, ये सब मक्को खाला का है, बाकी उधर से ये शुरू होता है। और ये एक नया वो बनाया है महाराष्ट्र लोग में ये बनाया है, तो देखते हैं आप लोग श्री माई को, श्री माई देखो कितना हंस रही है, देखिए श्री माई। सो गाइस ये मैंने आपको पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। और नीचे है वो वुडविन और ये आइसक्रीम ट्रक, वुडविन के आगे नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं बट रुक ज़्यादा उधर कुछ गंदा ही नहीं कर सकते। तो गाइस ये है नानी का कड़ी पत्ता का झाड़ मीन्स ट्री, और ये एलोवेरा का झाड़ आपको हर एक के घर में आपको उगता हुआ दिखेगा, एलोवेरा का झाड़ बहुत फेमस हो गया है। तो गाइज मैंने आपको पूरा बता चुका है, तो चलिए भाभी देख सकते हैं आप लोग, हमने ये न्यू बॉटल मंगाई थी ये पिंक वाली बेबी गर्ल के लिए और ब्लू वाला बेबी बॉय के लिए। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इसका ml कितने हैं इसमें। तो यहाँ पर 230 ml आप डाल सकते हो इसमें, और ये भी 230 है। तो ये हमने मंगाया था एक बेबी गर्ल के लिए और एक बेबी बॉय के लिए, तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता चुका है। तो ये हमने मंगाई थी
तो यहाँ पर हमने बच्चों की बॉटल मंगाई थी जो कि कांच की है और हमने इसे अच्छे से वॉश कर दिया है। और ये पिंक वाली बेबी गर्ल के लिए और ब्लू वाला बेबी बॉय के लिए। और इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें कितने ml हम डाल सकते हैं। इसमें 230 डाल सकते हैं, 230 ml, दोनों में 230 डाल सकते हो आप लोग। और हमने इसे अच्छे से एकदम वॉश किया है। और सो गाइस, मैं आपको एक और एक चीज़ बताने वाली हूँ। हमने ना सारे जो बॉटल्स थी ना, बताती हूँ मैं, तो ये है मेरी मम्मा, मम्मा तो ये हमने मंगाया था कांच की दो बॉटल छोटी छोटी, ब्लू वाली है बेबी बॉय के लिए और पिंक वाली है बेबी गर्ल के लिए। सो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल से सब कुछ बता चुका है। तो सो मैंने पूरा आपको बता दिया है कैसे क्या कैसे किधर सब इंजॉय करते हैं, हमने सब आपको बता चुका है। तो चलिए बाय बाय। यहाँ पे मैंने बना लिया है लीची का शरबत, बिकॉज है ना इतनी गर्मी हो रही है ना और मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैंने इसलिए पेट को ठंडक देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लीची का शरबत बना लिया है। तो अब मैं ना इसे ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के ना इसमें इंजॉय करूँगी और इसे पीऊँगी। तो चलिए समाशाला से अभी मैं जा रही हूँ बड़े घर पे, मतलब मेरे ससुराल में, और मेरा ससुराल बाजू में ही है। और यहाँ पे देखिए चिंकू मिनकू सब क्या कर रहे हैं, ये है दोनों लव बर्ड्स और यही चीची, ये है पोपो, ये भी दोनों कपल्स है। और मैं आपको बाहर का मंज़र बता दूं, माशाल्लाह से ना बाहर का मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ पड़ा है। और थोड़ी टाइम पहले ना मुझे यहाँ पे चाँद दिख रहा था यहाँ पर, पर अभी एकदम से वो चाँद हो गया है गायब, तभी चाँद बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे देखिए ये हमारी बाउंड्री है, दीवार, दीवारों पर कांचे लगी हुई है एक सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे ना हर किस्म के दरख्त है, हर किस्म के पेड़ है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी ने अपने अपने घरों के आगे बगीचे बना रखे हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बड़े वाले घर पे, तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये हूँ मैं। और मुझे ना कॉफ़ी पीने की ना बहुत 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 ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और मैं जा रही हूँ अभी कॉफ़ी बनाने के लिए। लेकिन जो कॉफ़ी है ना मैं एकदम यूनिक तरीके से बनाऊंगी, तो कॉफ़ी ना मैं एकदम यूनिक तरीके से बनाऊंगी, तो कैसे बनाऊंगी चलिए वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तपेली रख दी है, अब मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। जो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी ना, हम लोग क्या करते हैं पहले दूध डालते हैं, उसके बाद में उसमें कॉफ़ी और शुगर वगैरह डालते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे ना मैं एकदम डिफरेंट तरीके से कॉफ़ी बनाऊंगी, और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैं देखती हूँ कि वो कॉफ़ी कैसी बनेगी और उसका टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरी तपेली गर्म हो गई है, अब मैं डालूंगी इसमें शक्कर। देखिए मेरी तपेली इतनी गर्म हो गई कि इसमें धुआं आने के लिए लगा है, तो चलिए इसमें शक्कर ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें एक चम्मच शक्कर डाल दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉफ़ी। अब मैं इसे अच्छे से एकदम हिला लूँगी, मिला लूँगी एकदम अच्छे से। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, चूल्हे तेली देखते क्या होता है। ये कॉफ़ी जो है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इस तरीके की कॉफ़ी, तो चलिए देखते हैं कि कॉफ़ी कैसे बनकर रेडी हुई है, क्योंकि तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो तरीका है ना, ये मैंने ना चाय के लिए देखा था नेट के ऊपर, बट लेकिन मैं इसमें इसको ना कॉफ़ी के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैंने नेट पे देखा था, मतलब यूट्यूब पे, कि लोग है ना चाय के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा अगर लोग चाय के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस तरीके का, तो मैं कॉफ़ी के साथ क्यों नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी के साथ किया है। तो चलिए इसे अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे इसका क्या हश्र हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ मेरी जो शक्कर है ना ये अंदर चिपक गई है, देखिए दिख रही है, ये जो मेरी शक्कर है ना, ये देखिए। तो यहाँ पे ना मेरी एकदम यूनिक स्टाइल में ना इंटरनेट वाली कॉफी बनकर तैयार है, जैसे इंटरनेट में आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना वो चीज मैंने ट्राई की है। तो यहाँ पे मैंने गैस कर लिया है ऑफ, तो चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेती हूँ। सुना यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बनके तैयार है, तो चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसके टेस्ट को लेकर, कि पता नहीं कैसी बनी होगी, बिकॉज ये वायरल टी है ना उससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने वायरल कॉफ़ी बना दी है। तो चलिए ये वायरल कॉफ़ी है ना ट्राई करके देखती हूँ कैसी बनी है।
तो यहाँ पे मेरी वायरल कॉफ़ी तैयार है। ये मैंने इंटरनेट पे देखा था, ये एक्सपेरिमेंट चाय के साथ हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉफ़ी के साथ कर लूँ। कभी कभी कोई ना कोई चीज़ नई तो ट्राई करना ही चाहिए ना। उन्होंने भी नए तरीके से ट्राई किया होगा, तो मैंने भी नए तरीके से ट्राई किया। हो सकता है कि अच्छी बने या तो हो सकता है बुरी बने, दोनों में से एक ही चीज़ बनेगी। दूध की बर्बादी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये क्यों ट्राई किया, क्योंकि इसमें एकदम अजीब सी स्मेल आ रही है, कॉफी जैसी स्मेल नहीं आ रही है, और इसका टेस्ट भी ना एकदम, मतलब मैंने कहा था ना या तो अच्छा बने या तो बुरा बने, तो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, तो ऐसा है। हो सकता है चाय अच्छी बनती हो ये वायरल हैक से, पर कॉफ़ी के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा बना होगा। देखिए इसकी शक्ल तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन ये कॉफ़ी के मुकाबले में थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी भी लग रही है, बट लेकिन टेस्ट के मुकाबले में ये तो माशाल्लाह से आज मैंने आपसे अपनी चाली का टूर करवाया है, चाली का टूर किया है कि माशाल्लाह से मेरी चाली कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, कितनी हरी भरी है, कितनी हरियाली है। और आज मैंने एक वायरल जो हैक था ना वो भी मैंने आपसे शेयर किया है, बट ये वायरल जो हैक था ना ये मैंने कॉफ़ी के साथ ट्राई किया था, और ये भी चीज़ें माशाल्लाह से मैंने आपसे शेयर की। होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो, आज का जो ब्लॉग था ना, वो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए इस उम्मीद से अलविदा लेती हूँ कि मैं आपसे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी, और किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए चीज़ के साथ। तो चलिए आपसे अलविदा कहती हूँ, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।